है, बस 12 मंथ्स का क्राइटेरिया है, 12 में से 5 महीने आपने इनके टाइटल्स 15% से ड्रॉप नहीं होने और 5 मंथ तक मेंटेन होंगे, तो एक टिकट आप उम्रे का टोटल फ्री क्वालिफाई कर लेंगे। क्वेश्चन आंसर्स पहले मैं एक दफा बता दूं, इसी से रिलेटेड जी जी, ये 5 मंथ कंटिन्यू करवाने या पूरे 12 में से 5 नहीं है, बस क्लियर 12 में से आपको 5 मंथ्स 5 आउट ऑफ 12, ठीक है क्लियर। ओके नेक्स्ट टिकट वाले जी, सो इतने खामोश इतने फिर ड्रॉप साइड रिपीट कर दे प्लीज, अच्छी बात है, रिपीट कर दे प्रॉपर्ली अंडरस्टैंड। दो 15% न्यू डेवलप करने हैं आपने फ्रॉम नॉन एसएम लाइन, ठीक है जी, यानी कि नया काम करना है आपने, नए लोगों के साथ काम करना है और उनके साथ साथ आपने उनकी डेवलपमेंट करवानी है 15% की, अपना डिफरेंस आपने लाजमी मेंटेन करना है वरना आप डिफॉल्ट रहेंगे और बोलेंगे शायद क्वालिफाई कर लेंगे अगले क्राइटेरिया करके। तो 5 मंथ्स मेंटेन होगा, 12 में से जनवरी से दिसंबर तक क्राइटेरिया पीरियड है, तो इस तरह से आपका फर्स्ट टिकट फ्री क्वालिफाई हो जाएगा। क्लियर, नेक्स्ट चलते हैं, डेवलप अबव 215% 218%, ये जो 15% पे आप लेके आए सुन लो, उन्हीं के साथ आपने वर्किंग अपनी ऑन करनी है, उनको मजीद डेवलप करना है, उनकी फर्दर आप उम्रा की प्लानिंग करवाएं, फर्दर न्यू टाइटल्स की प्लानिंग करवाएं, उनको आप दोनों को लेके आएंगे 18% टाइटल के ऊपर और मेंटेन करवाएंगे फर्दर 5 मंथ्स, ठीक है, अपना वो 18% का टाइटल उनका ड्रॉप नहीं होना चाहिए, 18 से अप ही होना चाहिए, ठीक है जी, 5 मंथ्स मजीद वो मेंटेन होगा, तो इस सूरत हाल में आपको सेकंड टिकट 40% डिस्काउंट पे भी मिल जाएगा। ये थोड़ी सी इसको क्लियर करते हुए चले अगर आप जी, कि एक 15% आया जी और अगले महीने वो 18 पे आ गया, तो फर्दर जो आप कह रही हैं तो वो जो 15 के भी तो फिर उसी में काउंट होंगे ना, इसमें वैसा फॉर एग्जांपल फर्स्ट मंथ वो 15 पे आया और 18 पे भी आ गया, सेकंड मंथ 18, आप ये कह रहे हैं जी, नेक्स्ट मंथ वो, तो आपकी काउंटिंग यहाँ पे भी स्टार्ट हो गई, यहाँ पे भी स्टार्ट हो गई, और जब आप ये न्यू डेवलपमेंट कह रही हैं तो नहीं मींस के अब दिसंबर में अगर कोई ज्वाइन हुआ था जी, तो वो काउंट होगा या न्यू ज्वाइनिंग भी जैन जैन से चाहिए या दिसंबर में अगर वो ज्वाइन हुआ था और मैनेजर लेवल तक नहीं आया, नीचे ही है कंसल्टेंट लेवल तक है, तो उसको भी आप डेवलप करके प्रीवियस यानी ज्वाइनिंग को भी प्रीवियस ज्वाइनर को भी हम आगे प्रीवियस 12% हमारा हो गया 40% ऑफ, आप लोगों को क्लियर हो गया, 15 वालों को क्या करना है 18 ओके, डेवलप अब 215% और अगर एक आ गया काउंट नहीं होगा, जो 215% है अगर आप उनको 18 के बजाय 21% तक और मजीद बढ़ाते हैं, उनको डेवलप करते हैं और उनको मेंटेन करवाते हैं फॉर नेक्स्ट 5 मंथ्स, जैसे वैसे आपने भी कहा कि 15 पे वेरी नेक्स्ट मंथ 18 आ गया, तो इसी तरह बहुत सारे लोग वेरी नेक्स्ट मंथ 21 पे भी आ जाते हैं, काउंटिंग उनकी वहीं से स्टार्ट हो जाएगी, 5 मंथ्स मेंटेन होगा तो आपको 100% फ्री मिलेगा सेकेंड टिकट, और अगर 2 टिकट और अगर 3 दफा 21 हुआ तो नहीं 5 दफा करो नहीं, क्योंकि टाइम पीरियड साल का है ना, तो फिर आप 6 महीने उसको 7 महीने उसको बंदे में लगे 5 महीने बाकी नहीं बचे, 8 महीने लगे 9 महीने सीने में जब बंदे में, तो 5 महीने बाकी बचे नहीं साल, तो जो आपका जान पहचान वाला उम्रा पे जा रहा होगा ना उसको कहना कि अल्लाह करे नेक्स्ट ईयर भी उम्रा स्टार्ट हो जाए, तो ये होगा गोल्ड बन जाएंगे। अच्छा ये क्राइटेरिया सिर्फ सीनियर मैनेजर्स एंड अबव के लिए नहीं है, ये क्राइटेरिया एक कंसल्टेंट लेवल का बंदा भी इसको क्वालिफाई कर सकता है, लेट्स से कि मैं 12% पे हूँ, जैसे ही अगले महीने अगर मैं इस जनवरी में मैंने 15% किया और फरवरी में मैंने अगर अपने नीचे
15% डेवलप किया और अपना मैंने डिफरेंस मेंटेन रखा, ठीक है, मैंने नीचे ए 15% डेवलप किया तो मेरा 1 month 15% काउंट होगा, ठीक है जी। तो एक कंसल्टेंट लेवल भी कर सकता है, बट ये क्राइटेरिया इतना अच्छे से डिजाइन हुआ है कि अगर आप उनको डिफरेंस लेवल की पर ऑब्वियसली अगर वो 2 15 भी करती है तो 8000 तो हो गए। अगर वो अपने कमीशन को अच्छा रखेगी और मजीद उसको थोड़ा सा 2000 भी पुश रखेगी तो वो उसी महीने सीनियर मैनेजर भी आपका टाइटल ओपन हो सकता है आपके नीचे वो डेवलपमेंट। एक सवाल और है, ये क्राइटेरिया डिफॉल्टर के लिए नहीं है। लेट्स सपोज एक ने 15% मैनेजर डेवलप की बट वो 4000 पे उसकी 15 थी और वो खुद 5500 पे थी या 6000 पे थी तो वो भी इस क्राइटेरिया में फॉल नहीं कर रही, वो तो डिफॉल्ट हो गई ना, डिफॉल्ट हो गई तो वो इस क्राइटेरिया को क्वालिफाई नहीं करेगी। मगर जो 15 वाली है उसको उसका कमीशन मिलेगा, आपके लिए कुछ नहीं। आपको प्लस पर्सनल ऑर्डर ऑफ 200 बीपी, आपने जो पर्सनल रिक्रूटमेंट पे भी फोकस करना है और पर्सनल 1 qualified रिक्रूट आपका हर मंथ होना चाहिए विद पर्सनल ऑर्डर ऑफ 200 बीपी, आपके 200 बीपी होने जरूरी हैं इवन अगर मैं कंसल्टेंट लेवल पे भी हूँ, क्योंकि सीनियर मैनेजर अबव जिनको जिनके नीचे डेवलपमेंट होती है वो 200 तो कर ही रहे होते हैं, बट अगर मैं कंसल्टेंट लेवल पे हूँ और मैं ये क्राइटेरिया मीट करने जा रही हूँ तो मेरे पर्सनल 200 भी जरूरी है रिक्वायर्ड एवरी मंथ ड्यूरिंग द क्वालिफिकेशन पीरियड। यानी कि अब से आप लोगों की आदत होगी कि आप लोग हर महीने एक नया क्वालिफाइड रिक्रूट और अपने 200 सिर्फ 3 लाइनें मुझे समझो पहले फिर आप लोगों को वो यहीं पे क्लियर कर देंगे ना। अच्छा आप माधुरी रखे मैं भूल जाऊंगी जी, वो ये कि जैसे आप एक रिक्रूट आए लास्ट मंथ हमने मेंबर बनाया लास्ट मंथ उसने 50 कर दिया अपने 30 डेज के अंदर तो इस कमिंग मंथ में अगर वो अपने 50 पूरे करता है तो क्या वो रिक्रूट काउंट होगा? क्वालिफाइड लेकिन इस क्राइटेरिया में आपको फर्स्ट एंड थर्ड कैलेंडर डेट के अंदर ही आपने न्यू QR क्वालिफिकेशन पीरियड तो स्टार्ट हो गया है जी सर। एक 12% मैनेजर है वो 100 points डाल रहा है जी, लेकिन उसने 3 महीने बाद सोचा कि मैं ये काम कर सकता हूँ जी। 200 points वो तब से डालना शुरू करेगा या उसके लिए भी कोई टाइम पीरियड है कि जब नीचे 15 आएगा तब से वो डालेगा? जो महीना यहाँ पे जिस महीने की काउंटिंग हो रही है यहाँ पे उस महीने में उसको एक रिक्रूट करना है 200 बीपी और वो है उस महीने उस महीने जिस महीने उसका पहला 15% आया है जी। हाँ ठीक, क्योंकि आपका काउंट फर्स्ट काउंट उस महीने वहीं से स्टार्ट होगा। लेकिन ये जो है ये रिक्रूट जो है नहीं सॉरी ये एवरी मंथ है आई एम सॉरी सर, तो इसका मतलब है कि कोई 12% है उसने अगर 100 points डाले इस महीने तो वो इसके लिए क्वालिफाई नहीं करेगा। ये तो 0% वाले भी ला सकते हैं तो ये जो रिक्रूट का दुख है ना सर ये जो आपका फर्स्ट मंथ होगा जहाँ से आपकी काउंटिंग होगी उससे ऑनवर्ड आपने थ्रू आउट ये वाला करें जहाँ से काउंटिंग स्टार्ट हो रही है वहाँ से शुरू होगा। अचीव न्यू टाइटल गोल्ड एंड अबव एंड विन 1 ticket फ्री। तो आप सभी लोग जो अपने न्यू टाइटल जितने भी गोल्ड एंड अबव न्यू टाइटल्स अचीव होंगे यानी कि क्लोज होंगे ड्यूरिंग जनवरी से दिसंबर उन्हें 1 free ticket मिलेगा, ठीक है जी। लेवल डिफरेंस इज मस्ट टू विन द टिकट, आपको अपना डिफरेंस जरूर मेंटेन रखना है डिफॉल्ट नहीं होना। टाइटल मेंटेनेंस इज मैंडेटरी टू विन द टिकट, टाइटल आप जिस भी टाइटल के ऊपर हैं वो टाइटल आपका ड्रॉप नहीं होना चाहिए लूज नहीं होना चाहिए। जो आपका मैक्सिमम टाइटल आपने अचीव किया होगा अब तक वो उस वक्त को मेंटेन होना चाहिए एट द एंड ऑफ दिस मंथ।
मैक्सिमम टाइटल आपका अगर गोल्ड है तो एक पॉइंट क्लियर कर दें क्योंकि यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस थे कि जो एसएमआरई लाइन है उसमें 15 नहीं डेवलप होगा क्योंकि अभी क्लियर नहीं है तो जैसे आप बोल रहे हैं जो एसएमआर हो चुका है अगर फॉर एग्जाम्पल 2 साल पहले कोई हमारी डाउन लाइन स्प्लिट हमारी निकल चुकी है तो वो काउंट नहीं होगी अगर कोई कोई 15 पर है वो लाइन हमारी नहीं होगी ये सब चीज़ें जो है वो From two new different lines, नए फूल नए बीज डाले नए पौधे निकाले और उन नए पौधों को 15% नए बीज डाले और नए पौधे निकाले अच्छा जब आपको 15 आता भी है तो उसका किसको फायदा होगा किसी को भी नहीं आया मतलब मुझे ही बता दें फायदा नहीं नहीं कमीशन के अलावा बोलो उम्र के लिए यानी कि वो ड्रॉ कराना है नहीं कमीशन फॉर एग्जाम्पल आज की डेट में मैंने तो याद नहीं किया मैंने पागल करके ये कर दिया था मैं नहीं करता आप लीडरशिप डेवलपमेंट नहीं करेंगे नहीं मैं करूंगी वो तो है मैं कह रही हूँ उम्र का अगर किसको अगर मैं मोटिवेट भी करना चाहूँ अगर मैं उस एसएम को क्या बोलूँ कि तुम फिर डायरेक्टर बन जाओ यानी कि अपना मेंटेन किया वो ऐसे जो डॉक्टर उसको को ये उसको को ये डेवलप करो उमरा पे जाओ हां तो उससे ही तो आपके जो ड्रॉप लाइन है वो ऑटोमेटिकली उठ जाएगी हमारा उठ जाएगी सीनियर कोर्स सप्लायर सप्लायर उसके नीचे में बड़ा टाइटल आ रहा है तो आप अगले बंदे को तो जगह सही नहीं देखिए बात सुनिए बात सुनिए जो सीनियर मैनेजर से ड्रॉप हुआ है ना जी उसमें दीनमान वैसे नहीं है वो वैसे नहीं जाएगा आपने ड्रॉप वाली से काम करना है Ladies and gentlemen, please, attention please, leaders, title is mandatory to win the ticket, ये हमने अभी discuss किया, जो आपका max title है, वो आपने लाजमी maintain करना है, इसके अलावा defaulters, drop, leaders, will not be eligible for the ticket, मुनीत साहब उसके बीच में जो लोग थे वो नहीं रहे तो क्या जब वो 15 पर आएगी तो मुझे फायदा होगा वो आपकी नॉन एसएम नॉन एसएम तो वो 15 आएगी डाउनलिंग में नहीं है डायरेक्ट नहीं आपके फर्स्ट लेवल में मैं आपको यही बता रही हूँ कि मेरे नीचे एक 12% की लड़की थी उस 12% की लड़की ने काम छोड़ दिया और ये अभी 50-50 है जो आप बोल रही हैं वो ठीक भी है और जो आप बोल रही हैं वो ठीक नहीं है तो ये विद इन हम इसको क्लियर करें कि क्या वो कंसिडर होगा कि नहीं ऑप्शन दे सकती है जा सकता है ना पर्स करो जैसे हमें है ना कौन सी आप यहाँ से क्योंकि उसका हुआ था ना तो असल में मैं ये सब कर लूँगी लेकिन स्टिल नवंबर में मेरे पास बड़े बड़े लीडर्स आ रहे होते हैं और आके कहते हैं बोला क्या था तो राइट साहब का जो मकसद है ना वो यही है कि आप लोग अपनी अंडरस्टैंडिंग क्लियर कर लें ताकि आप लोग खुद अपनी डाउनलाइंस को समझाएं मेरे पास आज भी मैंने ऐसे लोगों की कॉल्स रिसीव की हैं और बड़े डायरेक्टर्स मैं नाम नहीं लूंगी उन्होंने ये बताया अपने डाउनलाइन में कि आप ये क्राइटेरिया सिर्फ सीनियर मैनेजर एंड अबव के लिए है आप नहीं कर सकते तो वो है ना मेरे पास कॉल्स आई है तो प्लीज आप लोग ना आज कंफ्यूजन बस क्लियर करती जाइएगा ताकि आज के बाद से ये प्रॉब्लम नहीं है Terms and conditions. Qualification period for Umra offer is January 2020 से लेके December 2020. First ticket for qualifying consultant is non-transferable, but second ticket can be transferred only if First ticket qualifier is traveling. दोबारा से बताती हूँ First ticket for qualifying, यानी कि जो आपका new 15% आ रहा है ये मेक श्योर आपने करना है कि वो अपने सही नाम सही CNIC नंबर के साथ ज्वाइन हो क्योंकि वो ट्रांसफरेबल नहीं होगा ठीक है जो सेकेंड टिकट लेट से अगर आप एक सेकेंड टिकट भी क्वालिफाई कर लेती हैं
तो उस टिकट को आप गिफ्ट एज अ लाइक अपने डाउनलाइन में किसी को लेके जाना चाहे तो वो इस सूरत हाल में ट्रांसफरेबल होगा और आप उसके अंदर करवा सकते हैं। सिर्फ कंसल्टेंट को ट्रांसफर हो सकता है, फैमिली मेंबर या जैसे किसी को भी एज ए गेस्ट। एज सर हमारे पास कुछ एज लिमिट क्या है? 18। हाँ वही जो हमारी जैसे गोल्ड कॉन्फ्रेंस में होती है कि बच्चे या उसका एडल्ट ही जाएंगे। कपल जाएंगे और वो सारा कुछ घूम रहा है, बट आप जो बात कह रही है एकदम मेरे भी माइंड में आया कि हाँ हो सकता है। 16 उस केस में जो होगा 16 होगा, 15 ग्रुप में जाते हैं सेकंड टिकट में उसको नहीं लेके जाना चाहते। अच्छा आगे बढ़ते हैं। उसको नहीं लेके जाना चाहते जो हमें अकेला नहीं जाने दे रहा। तो वो विड्रॉ हो जाएगा, उसमें कोई हमारे पास फर्दर कंसिडरेशन नहीं होगा। मैम जॉइंट अकाउंट तो करवा सकते हैं ना, जॉइंट अकाउंट जिनका सी एन आई सी नंबर कितना अच्छा हो जाएगा। लेकिन सदा पीछे तो घरों में झगड़े हो जाएंगे। मैम जॉइंट अकाउंट पे तो करवा सकते हैं ना, जॉइंट आज की डेट में जो मेरा एक्सपीरियंस है वो लोग जिनके इनकम बहुत 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 लो लेवल पे, उसको 5 साल लगे, उसको 25 साल लगे पैसे इकट्ठे कर रहे होते हैं किसी इकट्ठे एक दिन हम यहाँ बिल्कुल। फॉर एग्जाम्पल माय वाइफ इज गोइंग टू उमरा, मेरी पूरी कोशिश होगी कि मैं अपनी जेब से लेके चलूँ, बट मैं उसको अकाउंट नहीं करूँ। अगर मैं अनमेरिड हूँ, मेरी वालदा मेरे वालिद साहब हो जाए, तो ये जो छोटी छोटी आप अपने माइंड में चीज़ें लेके आ रहे हैं, इफ यू पिच दिस ऑफर, और अगर फिर भी किसी का दिल मोहम ना हो तो जो ये टीवी चैनल आ रहा होता है मक्का और मदीना का लाइव, मैं मजाक के अलावा जस्ट मैंने रात को देखा था तो आप कर रहे थे लोग पूरा भरा हुआ है हरम से, और आप उसको 10 मिनट देखें आपका दिल करता है कि बस किसी तरह भी चला जाओ, दिल से दुआ निकलती है अल्लाह को बुला ले बिल्कुल। सो दिस इज नॉट अ टूर, ट्राई टू अंडरस्टैंड। यस, और आप इसको पिच तो करके देखें कितने लोग साथ जाना चाहेंगे। यस,
वाइफ्स हैं उनके साथ हस्बैंड उसमें ये नहीं कहेंगे कि तुम नहीं जाओगी मैंने करा, वो ये कहेंगे कि मैं कैसे जाऊँ साथ, कितने पैसे हैं कंपनी से पूछो कितने पैसे लगेंगे। और उस यही रीज़न है कि ये जो डिस्काउंट और ये सब चीज़ें इंट्रोड्यूस करवाने की कोशिश की गई है कि मोटिवेशन और लोग एफर्ट करें और जहाँ पर जिसकी जो इंटाइटलमेंट वो ले सकता है वो लेके सेकेंड टिकट लेके जाए। अपना जो जो बहुत ही क्लोज बहुत ही प्यारे हैं उनके साथ हो सकते हैं, तो ये होगा कि पहला जाएगा दूसरा नहीं जाएगा, ये है ऐसा इस केस पे नहीं होगा बिलीव। इसमें लोग ऐसे भी होंगे अल्लाह ना करे जो विन नहीं करेंगे, वो कहेंगे पैसे दे दो हमें साथ ले। ये ऑप्शन होगा कि अगर दूसरा मतलब वाइफ ने किया या हस्बैंड ने किया, हाँ, अगर एक टिकट विन किया तो उसमें सेकंड में हम बिल्कुल देख सकते हैं उस केस में, जब अगर वो पे कर दे तो आप साथ। बट अगर आपने दोनों नहीं किए हुए, अगर आपने कोई टिकट विन नहीं की हुई, तो फिर वो फॉर एग्जांपल वैसा ने मेहनत करके पूरे साल में विन किया तो फिर थोड़ा सा उनके लिए, वी आर नॉट अ टूर कंपनी। Participant and the guest, in order to perform Umrah, must have a valid passport. जो भी participant है वो, और अगर उनके साथ second ticket पे कोई travel कर रहा है, तो उनका valid passport होना चाहिए, visa and travel insurance. जाने से पहले, before going to Saudi, however, please be clear, consultant will have to pay for these. आपको जो consultant जो qualify करेंगे, उन्हें वीजा के लिए, वीजा जब हम गोल्ड के लिए गोल्ड कंट्रीज में भी जाते हैं तो वीजा हमारी अपनी वीजा फी ही होती है, तो वीजा के लिए अगर उन्होंने नया पासपोर्ट बनवाया इससे पहले नहीं है तो उसके लिए भी एंड ट्रैवल इंश्योरेंस पंद्रह करना है या अलग अलग करना है अलग अलग मंथ में, इसकी जो कॉस्टिंग है वो अलग अलग हो जाए, एक महीना एक आ जाए। कंसल्टेंट विल हैव टू पे फॉर दिस, कंपनी विल डू इट एज अ गुड गेस्चर फॉर लीडर in case company is requested to arrange these documents for them. हम ये हमारी responsibility नहीं है, हम ये करते नहीं है, but आप लोगों को facilitate करने के लिए हम आपको इसकी arrangement करवा देंगे, payment still आपको ही करनी है. As a special request from consultant. ठीक है जी. All personal expenses need to be taken care of by participant, for example room service, minibar consumption, phone calls, other service from the hotel like spa, business center, food, etc. will have to be paid by the participant. अलग से आप अगर ये सब चीजें करते हैं उसका pay करना होगा. Maximum two free tickets are allowed. तीन criteria हैं एक तरीके से देखा जाए, but maximum दो ही ticket आप qualify कर सकते हैं. Non-Muslims will be entitled to equal amount of Umrah package for visit to their holy places. Visit proof to must to avail the benefit. जितने भी non-Muslim हमारे यहाँ पे consultants काम कर रहे हैं, उनको उसी Umrah package के amount के accordingly जो amount है, वो उनको दे दी जाएगी ताकि वो अपने जहाँ पे भी उनके जहाँ पे वो visit करना चाह रहे हैं, जो उनका holy month है area है, वो वहाँ पे उसको भी कर सकते हैं. Oriflame holds the right to cancel. ये important point है please. Oriflame holds the right to cancel qualifying consultant's ticket to the Umrah in case there is any violation of the company policies, including code of ethics and rule of conduct. Company किसी भी वक्त किसी भी participant को करके टिकट को कैंसिल कर सकती है और उन्हें इस टिकट के लिए इस क्वालिफिकेशन के लिए कर सकती है अगर वो कोड ऑफ एथिक्स को फॉलो नहीं करते हैं या कंपनी पॉलिसीज को वॉयलेट करते हैं. बेअदबी की गुंजाइश नहीं है 2020 में नहीं है. तो अगर क्वेश्चन